नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कविता डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी कक्षा में चार अक्षर वाले शब्द और आ की मात्रा वाले शब्द इनका सराव करने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले हमने यह घटक पढ़े हैं ना। तो सबसे पहले हम चार अक्षर वाले शब्दों के बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, इसमें चार अक्षर दिए हैं। इन शब्दों में कितने अक्षर दिए हैं? चार अक्षर दिए हैं, इसलिए ये चार अक्षर वाले शब्द कहलाते हैं। आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। ख ट म ल, खटमल। न ट ख ट, नटखट। अ द र क, अदरक। और कुछ शब्द जानते हैं? श र ब त, शरबत। ब च प न, बचपन। उ ब ट न, उबटन। तो यह हो गए बच्चों चार अक्षर वाले शब्द। इसके बाद हम इनके वाक्य किस प्रकार होते हैं यह पढ़ेंगे। चार अक्षर वाले शब्दों के बाद अब हमें यह जानना है कि इन शब्दों को वाक्य में किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है। तो आइए बच्चों, हम इन वाक्यों का पठन करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, दशरथ शरबत चख, बर्तन इधर रख। और तीसरा वाक्य है, दमकल पर मत चढ़। चार अक्षर वाले शब्दों के बाद अब हम जानते हैं आ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में। देखिए बच्चों, इन अक्षरों में आ की मात्रा लगाकर एक नया अक्षर बना है। तो हम इन्हें पढ़ते हैं। क में आ की मात्रा लगा दी, क्या बन गया? का। उसी प्रकार ख में आ की मात्रा खा। ग में आ की मात्रा गा। घ में आ की मात्रा घा। च में आ की मात्रा चा। छ में आ की मात्रा छा। तो ये हो गए बच्चों आ की मात्रा वाले अक्षर। अब इन आ की मात्रा वाले शब्दों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है यह हमें जानना है। देखिए बच्चों, इसमें आपको आ की मात्रा वाले शब्दों को उनके चित्र से मिलाना है। तो पहला चित्र है छाता। हमें छाता यह शब्द कहाँ लिखा है वह देखना है, और छाते के चित्र को उसके नाम से, मीन्स उस शब्द से हमें मिलाना है। उसके बाद है ताला। ताला का चित्र देखना है और उस शब्द से उसे मिलाना है। उसके बाद है कान। कान को भी हम कान इस शब्द से मिलाएंगे। गाजर। गाजर के चित्र को गाजर इस शब्द के साथ मिलाएंगे। और अंत में है बादल। बादल का भी चित्र जो है उसे हमें उसके शब्द से मिलाना है। तो इस प्रकार बच्चों हमने चार अक्षर वाले शब्दों का और आ की मात्रा वाले शब्दों का सराव किया है। आपको इसी प्रकार घर में पढ़ना है। धन्यवाद।